किसान नेता भजन सिंह आज फिर शाहबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम हरियाणा और पंजाब के भाईचारे पर फिर एक गाना तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर यात्रा को लेकर जो शरारत रची गई थी, जो भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया गया था, हम उसी को कायम रखने के लिए एक गाना यहाँ तैयार कर रहे हैं। उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। जिन लोगों ने हमें इसमें सहयोग किया है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। भजन सिंह ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हक में नहीं है, ये काले कानून है, इनको वापस करना होगा। भजन सिंह ने कहा कि हरियाणा पंजाब के भाईचारे को कायम रखने की दिशा में उनके द्वारा तैयार गीत सार्थक साबित होगा। किसानों को हरियाणा पंजाब के भाईचारे के ऊपर दोबारा एक गाना बनाने लग रहे, जो बीजेपी ने वहां पर शरारत की थी झंडा निशान साहिब का दिल्ली लहरा के लाल किले पे, और जो शरारत की थी भाईचारे को तोड़ने की, उसी भाईचारे को दोबारा बनाने के लिए मैं यहां पर फार्म किसका रंजीत का रंजीत सिंह का भी हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपना फार्म हमारे को गाने की शूटिंग के लिए दिया, और एक गाना दोबारा हम सरदार की वेशभूषा में उसमें दिखाई दूंगा, और सभी मेरे सरदार भाई मेरा साथ दे रहे हैं उसमें, जैसे चिम्मा साहब हो गए और गगन फार्मर यमुनानगर से हो गए खड़कोली गाँव से, और ये भाई भी हमारे साथ आया, सारे गाने मेरी मदद कर रहे हैं, बढ़ चढ़ सबके सब आंदोलन में भाग ले रहे हैं और गाने में भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। और जैसे सरदारों के ऊपर भी एक लड़के ने पोस्ट पाई है, किसी सरदार को मारन जाप भी एक है और भजन भी, और सरदार भी, हमारे में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे हमारे में कितने कोई भेदभाव कर ले, फूट पाले, जो बीजेपी ने गलत नीतियां फूट डालो राज करो की चलाई है, उनका हम पुरजोर तारीफ पर रिलीज हो जाएगा। और गीत के सबसे पहले बोल है किसान जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, ये गीत के बोल रहेंगे। और जो भी ये ऊपर फ्यूगल मैन फिल्म पे दिखाई देगा, जो हमारा चैनल है, और जो भी मतलब जैसे अभी सारे के सारे नेता अपने अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, पर जैसे बीजेपी भी कह रही थी विपक्षी आंदोलन को बरगला रहा है, कुछ भी कर रहा है, आज हम विपक्ष का भी समर्थन करते हैं अपने आंदोलन में, क्योंकि जमीन उनके पास भी है, और जिसको बीजेपी आज विपक्ष कह रही है, 70 साल से वही सत्ता पक्ष में था, जिसको आज विपक्ष कह रही आंदोलन को बरगला लिया, जबकि विपक्ष के पास 53 सीट और बीजेपी के पास 303 सीट है, 303 सीट में भी हमारे को कानून के फायदे नहीं समझाए जा रहे, और 53 सीट में कह रही है कांग्रेस इनको बरगला रही है, जबकि किसान जागरूक हो चुका है, उसको पता चल चुका है किसान किस कानून काले कानून तीनों है, जो कृषि बिल लेके आए हैं मोदी जी, ये तीनों किसानों के हक में नहीं है, ये इसका पर्दाफाश हो चुका है, सिर्फ अंबानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए जबरदस्ती पूरे किसान इन बिलों का विरोध कर रहे हैं, जबरदस्ती बीजेपी इनको किसानों के ऊपर थोप रही है। इस गीत में नजर आएंगे क्या जो इसके अलावा इस सभी किसान है, कोई कलाकार नहीं है, सभी खबरनामा हरियाणा के लिए शाहबाद से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।